नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने यहाँ कहते हैं ना कि जाको राके साइयां, मार सके ना कोई, वो फिर इंसान कोई भी हो। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिसको ऊपर वाला बचाने वाला हो उसे कोई नहीं मार सकता। एक और बात है, अगर कोई गलत काम किया हुआ है तो उसकी सजा भी जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। और ये तो आप जानते हैं कि जब किसी क्रिमिनल की को सजाए मौत सुनाई जाती है तो उसका इस दुनिया से जाना निश्चित हो जाता है। यही नहीं, वो जो तारीख होती है वो उसकी सांसों को इतना तेज कर देती है कि कई बार तो मतलब वो समय से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाता है। इतना खौफ होता है उसके दिमाग में क्योंकि उसको अपने जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। और अगर कोई इंसान इस सिचुएशन में 3 बार अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है, वो खुद कामयाब नहीं होता, हालात उसे बचा देते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ उसको सजाए मौत होती है, फांसी होती है, लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि उसको 3 बार सजा दी जाती है लेकिन वो बच जाता है। और ये कौन है व्यक्ति? ये व्यक्ति है जॉन ली, जिसे कानून भी मार नहीं पाया। तो उसके बारे में क्या कहिए, क्योंकि जॉन ली ऐसे ही शख्स थे जहां ब्रिटिश कानून उन्हें मारने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और मेरे साथ रहना होगा पूरी वीडियो में, तभी आप जान पाएंगे कि जॉन ली के साथ ये कैसे होता है, कैसे वो 3 बार बच जाता है। और जब वो बच जाता है तो उसके बाद क्या होता है। दोस्तों, 15 नवंबर 1884 का दिन था, उस दिन हड़कंप मच गया जब ईमा कायसे की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देती है। उसके शरीर पे गहरे जख्म थे, इसके अलावा उसको जलाने की भी कोशिश की गई थी। पूरे शहर में ये चर्चा बन गई थी, जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई थी, क्योंकि ईमा कायसे बहुत ही भली इंसान थी, उसका दुश्मन कोई नहीं हो सकता था। लेकिन जब उसकी जान गई है तो कोई ना कोई बेरहम कातिल भी होगा जिसने इतनी बेरहमी से उसके साथ ये कांड किया। जब ये मामला पुलिस की तफ्तीश के दायरे में पहुंचा तो शक के आधार पर पुलिस ने जॉन ली को अरेस्ट कर लिया। और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि जॉन ने 1869 के आसपास स्कूल तो छोड़ दिया था, उसके बाद वो नेवी में भर्ती हो गया था, लेकिन वहाँ वो फेल हो गया और उसके बाद वापस वो टॉर्क लौट आता है और वहीं फुटमैन का काम करने लगता है। पुलिस ने जॉन को एक बार अपने मालिक के घर में चोरी के इल्जाम में भी गिरफ्तार किया था और उसे सजा दी थी, लेकिन 1884 में वो जेल से रिहा हो गया था। और जेल से वापस बाहर आने के बाद वो द ग्लेन लौट गया था और अपनी बहन के साथ एमी के घर में ही काम करने लग गया था। इसी बीच जब एमी का ये वारदात होती है एमी के साथ, तो पुलिस का सबसे पहला शक जो था वो जॉन पे ही गया, क्योंकि वो एक इकलौता व्यक्ति था जो उस समय घर में मौजूद था जिस समय ये वारदात होती है। असल में
पुलिस को जॉन की कोट के उसके बाजू पर एक ऐसा निशान दिखाई देता है जिसके बारे में पुलिस को वो कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं कर सका था। ऐसे में पुलिस को ये सुराग काफ़ी था जिसके आधार पे उसे पकड़ा गया और उसे सजा दिलाई, जबकि जॉन लास्ट तक कहता रहा कि वो बेकसूर है। पुलिस ने उसकी सुनी नहीं और जो उसके जुटाए गए सबूत थे और जो सुराग थे उसके आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया। उसे दोषी करार दे दिया गया। असल में जॉन के दोषी करार दिए जाने की बुनियाद बनी थी एलिजाबेथ हैरिस की गवाही, क्योंकि उसने एक बार जॉन को ये कहते सुन लिया था कि वो घर में आग लगा देगा, और ये बात उसने न जाने किस मूड में कह दी थी, और उसने ये भी कहा था कि इसमें कैसे मर जाएगी। और अदालत में दी गई एलिजाबेथ की यह गवाही जॉन को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए काफ़ी साबित हुई। दोस्तों, ये वो दौर था जब किसी भी क्रिमिनल को अदालत में अपना बचाव करने का अधिकार नहीं था। 1 फरवरी 1885 को जॉन का मुकदमा शुरू होता है और 4 दिन सुनवाई चलती है और अदालत ने जॉन को फांसी की सजा सुना दी। 23 फरवरी की सुबह एग्जीटर जेल में जॉन को फांसी देने का वक्त मुकर्रर कर दिया गया था। उस जेल में जेम्स बेरी जल्लाद थे जिन्हें जॉन को फांसी पर लटकाने की जिम्मेदारी मिली थी। जेम्स बेरी उस दौर में इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि तजुर्बेकार जल्लाद थे, और नियमानुसार जेम्स बेरी ने फांसी का फंदा चेक किया, हाथों में लगाई जाने वाली हथकड़ी का मुआयना किया और उस तख्ते और उसके लीवर की जांच की, जैसा कि नॉर्मली जिसको ये काम दिया होता है वो करता है। 3 तारीख को वक्त पर जॉन फांसी के तख्ते के पास ले जाया जाता है। जेम्स बेरी ने जॉन को तख्ते पर ले जाने से पहले नकाब पहनाया और फिर जेम्स नकाब पहने तख्ते तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही फांसी का फंदा पहना करके तख्ता खींचा गया, लीवर ने काम करने से ही इनकार कर दिया। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जिसको रक्षा भगवान करता है जिसकी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ अपराध की बात नहीं हो रही है, यहाँ जान की बात हो रही है। तो जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो लीवर ने काम करना बंद कर दिया और तख्ता भी टस से मस नहीं हुआ। जेम्स ने एक बार फिर कोशिश की, जो जल्लाद था, ताकि वो अपने काम को ठीक से अंजाम दे सके। जॉन को फांसी के तख्ते से उतारा, तख्ता और लीवर चेक किया, तब तख्ता और लीवर ठीक ढंग से काम करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब दोबारा जॉन को फांसी के फंदे पे खड़ा किया गया और जेम्स ने लीवर को खींचने की कोशिश की, तो फिर वही सीन बन गया। जल्लाद जो है वो नाकाम रहा, लीवर खींचा ही नहीं और तख्ता खुला ही नहीं। जेम्स ने एक बार फिर उसकी किस्मत को आजमाया और तख्ते और लीवर का मुआयना किया। देखिए, वो अपने काम में बहुत ही परफेक्ट था जेम्स। उसने तीसरी बार डमी को तख्ते पे चढ़ाया और वो उस वक्त ठीक से काम करता हुआ सबको दिखाई दिया। लेकिन तीसरी बार जब जेम्स ने जॉन को तख्ते पे खड़ा किया तो लीवर नहीं चला और तख्ता भी नहीं खुला। उस जमाने में किसी भी कैदी को 3 बार ही फांसी देने की इजाज़त थी, यानी कि ये एक नियम बना हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि किसी को भी अपनी पैरवी के लिए मौका नहीं मिलता था, इसी तरीके से एक ये भी नियम था कि 3 बार ही फांसी दी जाएगी। यानी कि किन्हीं वजह से एक बार फांसी देने में अगर कोई अड़चन आती है तो फिर दोबारा दी जाएगी और तीसरी बार दी जाएगी, इसके बाद नहीं। इसके पीछे तर्क ये था कि ऐसा इत्तेफाक शायद ही किसी के साथ हो, क्योंकि 3-3 बार फांसी के तख्ते से कोई बच के आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा 3 कोशिश के बाद अब जॉन
कानूनन फांसी का हकदार नहीं रहा। इस घटना के बाद जेल में तो जैसे चर्चा शुरू हो गई और वहीं पूरे उस शहर में भी इस बात की चर्चा होने लगी। जेलर से लेकर कैदी तक सब हैरान थे और आखिर में अदालत के जज तक ये बात पहुंची, क्योंकि ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। जज ने जॉन को अदालत में जो है शब्द उसने बोले थे वो याद आ गए। जॉन ने अदालत में कहा था कि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, वो जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। ये बात इस कदर फैली कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया के कानों तक भी ये खबर पहुंचती है। यानी कि ये इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया, ये ऐसी घटना हो गई कि वहाँ की महारानी विक्टोरिया के पास भी ये खबर पहुँचती है। दोस्तों, तब महारानी विक्टोरिया ने खुद ही आदेश किया और जॉन की फांसी की सजा को रद्द कर दिया और उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई और 22 साल कालकोठरी में बिताने के बाद जॉन को 8 दिसंबर 1907 में जेल से रिहाई मिल गई। जब वो एग्जीटर जेल से छूट करके बाहर आया तो उसकी उम्र 53 साल की थी, लेकिन जेल से बाहर आते ही वो फेमस हो गया। आप जानते ही हैं कि वो फेमस क्यों हुआ, क्योंकि वो एक लौटा ऐसा इंसान था जिसने जिसको 3 फांसी दी लेकिन उसकी जान बच गई और लोग उसको ऐसे देखने के लिए आ रहे थे जैसे कि वो कोई अजूबा हो। बाद में ली ने एक किताब भी लिखी और ये भी कहा जाता है कि 1945 में जेम्स ली ने अमेरिका में आखिरी सांस ली। अच्छा, एक और बात है, जल्लाद जेम्स बेरी का एक वाक्या दिलचस्प है। जॉन को 3 फांसी पर चढ़ाने के बावजूद जब 3 वो नाकाम रहा तो ली को तो सेल में वापस भेज दिया गया, लेकिन जो जल्लाद था वो बड़ा कुंठित हो गया था। तो जेम्स बेरी ने भी जो ये काम कर रहा था जल्लाद बनेगा ये उसने छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते अपने साथ वो फांसी का वो फंदा ले गया जिससे 3 कोशिश करने के बावजूद भी ली को फांसी नहीं दी जा सकी थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में वो रस्सी नीलाम की और आज वो रस्सी लिटिल डीन जेल में नुमाइश के तौर पे लोग उसे देखने जाते हैं। तो शुरुआत में मैंने कहा था कि जाको राखी साइयां बात सके ना कोई, तो जॉन ली के साथ कई सारी कहानियां जुड़ गई। देखिए, उसकी अपनी जान बच गई, वो जो जल्लाद था उसने वो काम करना बंद कर दिया और वो रस्सी आज भी लिटिल डीन जेल में बतौर नुमाइश के लिए रखी हुई है। होता है दोस्तों ऐसे कई बार, बहुत सारी बातें सुनते हैं हम लोग जो बिल्कुल एकदम हमको हैरान कर देती हैं। अब अगर मैं इस कहानी की ही बात करूं तो जल्लाद ने 3 चूँकि वो बड़ा गुस्से में आ गया था, उसने एक डमी को लिया था ये चेक करने के लिए कि ये कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा। वो करेगा भी कब, उसका तो चेहरा नकाब से ढका हुआ था, उस समय हाथ वाथ सब बंधे होते हैं, वो क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने एक दूसरी डमी को लेकर के लीवर को चेक किया, नीचे जो फट्टा लगा होता है उसको चेक किया, दोनों चीज़ें प्रॉपर काम कर रही थी। लेकिन 3 भी जब जॉन ली को उसने फांसी लगाने की कोशिश की तो न तो लीवर टस्समस हुआ, न तो नीचे से वो फट्टा इधर से उधर हुआ और इस फील ने उसको उस काम से फेड अप कर दिया। दोस्तों, 3 हैं इस कहानी में।
एक तो ली बार बार ये कह रहा था कि मुझे भगवान पे भरोसा है और मैंने कुछ नहीं किया है गलत, लेकिन चूंकि गवाही ऐसी थी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने इस कहानी की शुरुआत में ही आपको कहा था कि जाको राखी साई हम मार सके न कोई, तो जॉन ली को भी भगवान पे भरोसा था। उसने जैसा आपको कहा था कि गॉड पे मुझे भरोसा है, तो जिस समय ये बात चलती है शहर में, जज साहब के पास बात पहुंचती है। अच्छा, नियम भी बड़े ईमानदारी से बढ़ते जाते थे उस समय, क्योंकि दो नियम भी यहाँ बड़े स्पेसिफिक हैं। जो अपराधी होता था उसको अपनी सुनवाई के लिए कोई वकील नहीं मिलता था, उसको मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन ये भी था कि अगर 3 बार ही सिर्फ फांसी दी जाएगी, उसके बाद अगर वो बच गया तो उसकी फांसी माफ कर दी जाएगी, और इस शख्स की भी फांसी माफ कर दी गई। देखिए ये कितना मुकद्दर कैसा लेके आया था कि 3 बार के बाद भी बच गया, और बाद में बहुत सालों के बाद एक नॉर्मल उसको डेथ होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? थोड़ी अजीब है। मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत ही कम, बहुत ही रेयर अपराधी होते हैं। मैं उसको, जॉन ली को अपराधी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो खुद ही कह रहा था कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस सिचुएशन में जा करके, वहाँ तक पहुँच करके वो फिर से जो है अपनी जान जिंदा जान लेकर के आ जाते हैं। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। और एक और बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं लगेगा आपका सब्सक्रिप्शन के लिए। और लाइक कर सकते हैं, लाइक करने में भी कुछ नहीं जाता। हाँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा टैक्स करना पड़ेगा, तो आप जो टैक्स करेंगे, कमेंट करेंगे, वो मुझे ये बताएगा कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।